नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए देश विदेश की उन तमाम खबरों को लेकर आए हैं जो आपको और देश के हर नागरिक को जानना बेहद जरूरी और काम की खबरें हैं। तो रुख करते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी यादव संग चुनावी मंच साझा करेंगे कन्हैया कुमार। वाम दलों ने मांगी 18 जिलों में सीटें। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ भाजपा नेता कन्हैया कुमार मंच साझा करेंगे। यह बात सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से दूसरे चरण की बात करने के बाद कही। उन्होंने साफ किया है कि कन्हैया कुमार को जरूरत पड़ी तो विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा कि कम्युनिस्ट दल हमारे स्वाभाविक सहयोगी हैं, हम लोग मतभेद भुलाकर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सीपीआई नेता पांडे, सीपीएम नेता अध्यक्ष कुमार सिंह और सीपीएम माले के संयुक्त शिष्टमंडल ने राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को 18 जिलों में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इन 18 जिलों में संभावित विधानसभा सीटें लिखित रूप में प्रस्तावित की। सूत्रों के मुताबिक इस कम्युनिस्ट देशों के करीब 18 जिलों में चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। हालांकि उसने कितनी सीटें मांग की है इस संबंध में दोनों पक्षों ने कोई जानकारी नहीं दी है। दोनों पक्षों ने कहा है कि सीटों की संख्या महागठबंधन की एकता को प्रभावित नहीं करेगी। क्या इससे भाजपा को झटका लग सकती है? तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? इस बार किस पार्टी को विजय हासिल होगी? क्या राजद इस बार भाजपा की बिहार से सुपड़ा साफ कर देगी या फिर से नीतीश कुमार इस बार सीएम बनेंगे? इसी के साथ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 34,61,000 को क्रॉस कर चुका है, जबकि 62,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना वायरस से 34,61,240 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पर इस चपेट में 62,731 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 26,43,538 लोग इस वायरस को मात देकर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 7,50,411 है। इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो सामने आ रही है। सुशांत सिंह केस में 10 घंटे तक सीबीआई करती रही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, सिलसिलेवार जाने पूरी बातें। मीडिया को दिए इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासा करने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को पहली बार सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष पेश हुए। सीबीआई ने शुक्रवार को रिया से इस मामले में 10 घंटे तक पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को केस ट्रांसफर करने के बाद एजेंसी ने 6 अगस्त को अपनी जांच शुरू की। एजेंसी द्वारा नोटिस मिलने के बाद 28 वर्षीय रिया अपने पिता के साथ डीआरडीओ आरएएफ गेस्ट हाउस पहुंची। सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद रिया को फिर से इस प्रक्रिया के लिए तैयार रहने को कहा है। अन्य बातों के अलावा सीबीआई टीम द्वारा उनसे सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में पूछताछ करने और रिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, साथ ही उनकी यूरोप यात्रा के बारे में भी, जिसके बाद उन्होंने सुशांत के स्वास्थ्य को लेकर कई दावे किए थे, पूछताछ की गई। सुबह करीब 10:30 बजे सीबीआई के सामने पहुंची और उनके पूछताछ का काम रात 8:30 बजे तक समाप्त हुआ। इस मामले में कई अन्य लोगों के साथ ही अभिनेत्रियों की भाभी शोभित से भी पूछताछ की जा चुकी है। क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से घिर चुकी है? क्या रिया चक्रवर्ती को जेल होगी? क्या सीबीआई की टीम सारी सच्चाई रिया चक्रवर्ती से उगलवा लेगी? देखना जरूरी है, क्योंकि सीबीआई ने पल पल रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानकारी ले रही है। इसी के साथ दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जनधन खाता खुलवाने के लिए चाहिए होंगे यह डॉक्यूमेंट, जानिए प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना अकाउंट से क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 6 साल पूरे कर लिए हैं। साल 2014 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। नए आंकड़ों के मुताबिक 19 तक इस योजना के तहत 40.32 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता 0 बैलेंस पर खोला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खातों में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि इस खाते के साथ कौन कौन सी आकर्षक सुविधाएं आपको मिलती हैं और यह खाता आप कैसे खुलवा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अकाउंट के साथ मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका खाता आधार से लिंक होगा।
अगर आप अपना नया जनधन खाता खोलवाना चाहते हैं, नज़दीकी बैंक में जाकर आसानी से यह काम कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसके नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का नाम, नॉमिनी का नाम, व्यवसाय, रोजगार आदि के बारे में डिटेल जानकारी देनी होगी। इस योजना के तहत आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको सरकार की तरफ से 6,000 मिलेंगे। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच सरकार ने सभी को 2,000 ट्रांसफ़र किए थे। अगर आपने जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो जल्द से जल्द खुलवा लें, ताकि आप भी इस योजना का लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की जानकारी से रोजाना आप अपडेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।